माशाल्लाह रश बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी दो दो देखचे लगे हुए हैं, पता नहीं चलता कि कब एक देखचा ख़त्म हुआ है और दूसरा शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस टाइम मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के मैनचेस्टर यानी कि फैसलाबाद में, और फैसलाबाद का ये है 14वीं फ्लोर मिल चौक है ये, और टाटा बाजार है, और यहाँ पे हैं अली भाई मुर्ग पुलाव वाले, ये यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं। तो आज इनको ट्राई करते हैं कि इनके पुलाव कैसे है और पुलाव में क्या क्या ये वैरायटी दे रहे हैं, साथ चिकन पीस दे रहे हैं, कबाब वगैरह दे रहे हैं, तो चलते हैं इनके पास। माशाल्लाह रश बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी दो दो देखचे लगे हुए हैं, अभी इनका एक देखचा ख़त्म हो चुका है और अभी दूसरा लगने लगा है, देखें आप। ये भी दूसरा देखचा लग गया है और इधर दूसरा देखचा भी, देखें दोनों साइडों पे रश लगा हुआ है, और थोड़ी देर गुजरती है तो एक देखचा नहीं आ जाता। आपने देखा है कि अंदर इनका सफाई का इंतजाम बहुत अच्छा है, और इनके हर वक्त ये चावल के देखचे बन रहे होते हैं। अभी जैसा कि आपको दिखाया कि ये दो देखचे अभी बन रहे हैं और बनने के करीब हैं, और ये देखचा इनका रेडी है जैसा कि इन्होंने आपको दिखाया है, खोल के दिखाई का जरा। ये देखचा देखिए आप, बिल्कुल रेडी है ये देखचा, और इसके बाद अगला देखचा इनका ये देखचा दिखाएगा, ये भी रेडी हो गया माशाल्लाह। ये देखिए आप, ये दूसरा देखचा भी रेडी है इनका, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल रेडी है ये, और ये तीसरा देखचा माशाल्लाह बड़ा अच्छी रंगत है चावलों की। अभी हम खा के फिर आपको बताते हैं कि खाने में ही कैसे हैं, लेकिन देखने में बहुत अच्छी हैं और सफाई का इंतजाम बड़ा अच्छा है। ये तीन देखचे रेडी हैं इनके, और चौथा देखचा भी शायद रेडी है इनका। तो अभी अली भाई अपनी निगरानी में सारा कुछ तैयार करवाते हैं, इनका एक स्पेशल ही फार्मूला है, ये देख सकते हैं आप, ये अपने मसाला जार डाल रहे हैं इसमें। आप खड़े हैं यहाँ के ऑनर अली भाई, अली भाई को कहा कि हमें टाइम नहीं, बिज़ी काफ़ी ज़्यादा थे, तो हमसे बात करते हैं कि इन्होंने कब सेटअप शुरू किया और मज़ीद बातें इनसे चलती रहेंगी। भाई कैसे हैं आप? जी वाले सलाम भाई, क्या ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये माशाल्लाह बड़ा रश है, बड़ा सेटअप है, और आप ही अभी यंग हैं और माशाल्लाह इतना काम है आपका। ये सर कोई स्पेशल बात नहीं है रश की, और ये अल्लाह की खास करम है, इसमें कोई बात नहीं है रश की माशाल्लाह। फिर भी हमको तकरीबन 7 साल हो गए हैं, अभी 7 साल हो गए, इतना थोड़ा अरसा भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, लेकिन 7 साल में फिर भी बड़ी कामयाबी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अल्लाह की खास रहमत है, हमने हमारी सोच से तो बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी ऐसे आपका एड्रेस क्या है, ये मैंने बताया था सर, ये फैसलाबाद है टाटा बाजार, ठीक है, चौधरी फ्लोर मिल चौक, अली भाई मुर्ग पुलाव, ठीक हो गया। तो आपके पास मुर्ग पुलाव के अलावा कुछ और भी है? जी जी, मुर्ग पुलाव हमारे पास स्पेशल मुर्ग पुलाव है, और उसके अलावा स्पेशल मीठे में जो है ना स्पेशल क्रीम कस्टर्ड है, ठीक है, जो इंशाल्लाह आपको कम ही जगह से मिलेगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी में बनाते हैं हम लोग। उसके मतलब क्रीम कस्टर्ड में चेक करके जाऊँगा आपका? जी जी, बहुत ज़रूरी है सर, वो खाने के आपके साथ खाएंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छी मैचिंग है पुलाव के साथ कस्टर्ड की, ठीक हो गया। तो माशाल्लाह रोज़ कितने आपका सेल हो जाता है, कितने मानिया क्या? सर ये हमारे 300 तकरीबन 350 केजी लग जाता है हर रोज़ चावल जो है, हर रोज़ चावलों की टाइमिंग जो है हमारी 11:30 से लेके मगरब से पहले पहले, 11:30 हर रोज़ शुरू होता है, मगरब से पहले पहले इंशाल्लाह खाना है तो आ जाए, तकरीबन 350 केजी इसमें लग जाता है। चावल सर ये कायनात होता है, स्पेशल क्वालिटी है कायनात, तो चावल है हमारे यहाँ, अब तो रेट काफ़ी बढ़ गए हैं चावल के, लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं आप चावल साथ पीस हो एक सर, बड़ा पीस होता है हमारा 180 ग्राम 190 ग्राम का पीस होता है, प्लेट माशाल्लाह बड़ी होती है, तो 230 रुपये में प्लेट है, एक मुर्ग पुलाव की सादा प्लेट जो 140 की है, तो शामी 20 रुपये की अलग से है, तो जो कस्टर्ड है 100 रुपये पाव है, 400 रुपये किलो है,
रेट भी आपने मेरा ख्याल है मुनासिब रखा हुआ है जी अल्हम्दुलिल्लाह। रेट महंगाई के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वाफर मकदार में होता है जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अभी खा के चेक करते हैं। हाँ जी, जो हर बंदा जो भी आता है वो पूछता है स्पेशल रेसिपी क्या है, स्पेशल मसाला जात क्या है। वो हमने जो रेसिपी है ना स्पेशल पुलाव की और कस्टर्ड की, वो हमने किचन में ना ओपन लगा लिख के लगाई हुई है। अगर आप दिखा सके तो वो सामने लिखी हुई है। तो ये कोई स्पेशल नहीं है, सबसे स्पेशल यही है कि हाजा मिन फजली रबी, ये मेरे रब का खास फजल है जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हर किसी को पहले टोकन देना पड़ता है, उसके बाद उसको फिर वहाँ से डिलीवरी होती है। जिससे यहाँ पे डाइनिंग करना है वो यहाँ पे बैठ के खा सकता है, लेकिन पार्सल के लिए यहाँ से पहले टोकन लेना पड़ता है। ये भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे, ये भाई साहब ये टोकन दे रहे हैं। और साथ आपने मेरा ख्याल है क्या रखा हुआ, ये फ्रूट कस्टर्ड रखा हुआ जी। तो व्यूअर्स, चावल मेरे आ चुके हैं। अब चावल में क्या है, एक शामी कबाब है, साथ एक चिकन पीस है जो कि इन्होंने मुझे दिया है चेस्ट वाला, और साथ राइस है, और साथ दही का रायता बना हुआ है, उसमें शायद उन्होंने पुदीना वगैरह डाला हुआ है। सबसे पहले हम चावलों को टेस्ट करते हैं, फिर इसको हम टेस्ट करेंगे चिकन के साथ, और फिर इनका शामी टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल वाकई कमाल के हैं, चावलों ने पता चला कि सही इसमें यखनी का जायका है इसमें, और इसमें इन्होंने मेरे ख्याल है शायद काली मिर्च का इस्तेमाल किया। अभी हम इसको ना चिकन पीस के साथ चेक करते हैं, लेकिन चिकन पीस को मैं ज़रा चेक कर लूँ पहले कि चिकन पीस कैसा है। ज़बरदस्त, सही गला हुआ है, चिकन पीस भी ज़बरदस्त है, बिल्कुल सही स्टीम हुआ हुआ है, और मुँह में डालते ये घुल गया। तो अभी हम चिकन पीस के साथ राइस ट्राई करते हैं, और साथ हम कबाब भी लगाते हैं। बेहतरीन, आला क्वालिटी। वो भी देख रहा हूँ कि ऐसे ही तो इनके पास रश नहीं है, देखिए यहाँ पे काफ़ी रश मौजूद है, वो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे बैठे हैं। अभी एक फाइनल स्पून हम लेते हैं, जिसमें हम पुलाव साथ चिकन पीस साथ रायता वगैरह डाल के फिर इसको खाते हैं। क्या बात है, मज़ा ही आ गया। क्या जायका चेस पीस का है, क्या चावलों का जायका, हर चीज़ आला है जी। तो व्यूअर्स, पुलाव मैंने खा लिया है, और पुलाव का रेट भी मुनासिब था, और प्लेट भी फुल थी कि बड़ी मुश्किल से ख़त्म ही किया है। तो अभी इनका कस्टर्ड आ चुका है, तो कस्टर्ड इनका ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा कस्टर्ड है। कभी आप यहाँ फैसलाबाद आएँ तो आप इसका पुलाव लाजमी चेक कीजिएगा, अली भाई मुर्ग पुलाव वाले, और इनका एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं गूगल मैप का एड्रेस इसमें दे दूंगा। तो आप भी उसे कैसे है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।